नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ करिश्मा, आप देख रही हैं हमारा खास शो खबरों के खिलाड़ी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। और आइए खबरों के खिलाड़ी की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। संजय राउत को आज अदालत में ईडी पेश करेगी। पात्रा चाल घोटाले में ईडी ने आज कल ही गिरफ्तार किया था संजय राउत को, आज संजय राउत की पेशी होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है, ईडी ने संजय राउत को गिरफ्तार किया। 7.5 घंटे की पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी हुई है और सुबह 9:30 बजे संजय राउत का मेडिकल भी होगा, यानी कि अब से कुछ ही देर के बाद जे अस्पताल में संजय राउत का मेडिकल करवाया जाएगा। और कल गिरफ्तारी संजय राउत की हो चुकी, कल पत्नी से भी उनकी पूछताछ हुई, भाई से भी पूछताछ हुई और शिव सैनिकों का भी भारी हंगामा देखने को मिला। लेकिन इन सब के बीच ईडी ने संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया, अब से कुछ ही देर में मेडिकल भी होगा। महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा, दूसरी बात संजय राउत झुकेगा नहीं, ना पार्टी छोड़ेगा ना शिवसेना छोड़ेगा। मुंबई के चर्चित पात्रा चौल घोटाले को लेकर संजय राउत के घर कल दिन भर छापेमारी हुई और जब शाम में उन्हें हिरासत में लेकर ईडी अपने दफ्तर ले जा रही थी तो जाते जाते अकड़ के साथ राउत कह रहे थे कि झुकूंगा नहीं। लेकिन ईडी के हाथ इतने सबूत मिले कि देर रात करीब 12 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1034 करोड़ के पात्रा चौल जमीन घोटाले में संजय राउत के जवाब से जब ईडी संतुष्ट नहीं हुई तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। राउत साहब को अरेस्ट किया है जी, और जिस केस में अरेस्ट किया है जी, अरेस्ट करने के लिए जी एक बोगस फ्रेम बनाना पड़ता है जी, ये सब फ्रेम जूता के लिए जी, और अरेस्ट किया है। कल सुबह करीब 7:30 बजे ईडी की टीम संजय राउत के भांडुप वाले घर पहुंची थी। 10 अफसरों की एक टीम ने राउत और उनके विधायक भाई सुनील राउत के कमरों की तलाशी ली। ईडी ने संजय राउत और उनके परिवार वालों से पूछताछ भी की लेकिन वो जवाब देने से बचते रहे। वहीं एक टीम ने उनका दादर वाला फ्लैट सील कर दिया। आरोप है कि संजय राउत ने यही फ्लैट पात्रा चौल जमीन घोटाले के पैसे से खरीदा है। शाम को करीब 4:30 बजे ईडी की टीम संजय राउत को उनके घर से लेकर निकल गई। इसके बाद ईडी दफ्तर में उनसे करीब 7.5 घंटे लगातार पूछताछ चलती रही और जवाब सही नहीं मिलने पर देर रात ईडी ने संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया। सब जानते हैं शिवसेना को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश है, सब जानते हैं मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा लगाया गया है, सब जानते हैं संजय राउत का आवाज दबाने की कोशिश चल रही है, लेकिन संजय राउत शिवसेना नहीं छोड़ेगा और महाराष्ट्र से बेईमानी नहीं करेगा। ईडी की टीम अब संजय राउत की रिमांड लेने की तैयारी में है ताकि उनसे पात्रा चौल घोटाले के बारे में और जानकारी ली जा सके और इस घोटाले से जुड़े बाकी किरदारों तक पहुंचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए खबरों के खिलाड़ी में आगे बढ़ते हैं। गिरफ्तारी से पहले ही संजय राउत बेगुनाही का रोना रोने लगे हैं। राउत ने ये कहा कि झूठे दस्तावेजों के आधार पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि चाहे जितने भी सख्त एक्शन लो वो शिवसेना नहीं छोड़ेंगे। देखिए इस रिपोर्ट। ईडी कल जब पूछताछ के लिए संजय राउत को अपने दफ्तर लेकर जाने लगी तो संजय राउत की मां ने उनकी आरती उतारी और पैर छूकर वो बाहर निकले। इसके बाद वो कार में सवार हुए और रूफटॉप से बाहर निकलकर समर्थकों का अभिवादन किया। संजय राउत घर से भगवा गमछा लहराते हुए निकले। उन्हें आभास हो गया था कि गिरफ्तारी से अब वो बच नहीं सकते, इसीलिए वो जांच एजेंसी ईडी को ही घेरने लग गए और साजिश का रोना रोने लगे। प्रकार से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे एविडेंस, लोगों को मार मार कर पीट पीट कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए, लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी, महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा, दूसरी बात संजय राउत झुकेगा नहीं, ना पार्टी छोड़ेगा ना शिवसेना छोड़ेगा। ईडी दफ्तर जाते वक्त कल संजय राउत मीडिया पर भी भड़कते दिखे और कहा कि अब आप लोग पेड़े बांटो क्योंकि महाराष्ट्र कमजोर हो रहा है। क्या कहेंगे? नहीं, पेड़े बांटा, महाराष्ट्र कमजोर होता है, पेड़े बांटा, पेड़े बरेगा महाराष्ट्र और हल्ले होता है, पेड़े बांटा, अरे बेशरम लोग का तुम्ही, लाज वाटली पाहिजे तुम्हाला। संजय राउत भले ही साजिश की बात कर रहे हों लेकिन बताया जा रहा है कि जब ईडी उनके घर पहुंची तो तलाशी में कुछ संदिग्ध दस्तावेज मिले और 11 लाख से ज्यादा कैश भी बरामद हुआ। इसके बाद ही उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकनी शुरू हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, सामना के जरिए शिवसेना ने राज्यपाल और बीजेपी पर निशाना साधा है। राउत ने राज्यपाल के खिलाफ कड़े शब्दों का इस्तेमाल भी किया है। तो वहीं ईडी की टीम राउत के घर पहुंच गई है। शिवसेना की ओर से कहा गया राजभवन बीजेपी का दफ्तर बन गया है, बीजेपी के इशारों पर राज्यपाल काम कर रहे हैं, ये बड़ी बात कही गई है। अब राजभवन बीजेपी का दफ्तर बन गया है। शिवसेना की ओर से बड़ा आरोप लगाया गया है, जिस तरह से संजय राउत पर ईडी की कार्रवाई हो रही है इसको देखते हुए एक बार फिर शिवसेना ईडी और बीजेपी पर निशाना साधती नजर आ रही है।
और इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उद्धव ठाकरे ने पार्टी की इसी बीच एक बड़ी बैठक भी बुलाई है। संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद मातोश्री पर शिवसेना नेताओं की बैठक बुलाई गई है। राउत की गिरफ्तारी के बाद आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है और राउत की गिरफ्तारी के विरोध पर अब रणनीति बन सकती है, क्योंकि कल भी हमने देखा कि जो शिव सैनिक हैं वो बड़ी संख्या में संजय राउत के घर के बाहर डटे हुए थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे इस पूरी कार्रवाई को लेकर, और आज उद्धव ठाकरे ने एक अहम बैठक बुलाई है। पात्रा चौल घोटाले में संजय राउत की गिरफ्तारी से शिवसेना बुरी तरह से भड़क उठी है और पार्टी के मुखपत्र सामना में इस कार्रवाई को लेकर जमकर भड़ास निकाली गई है। अपने संपादक संजय राउत की गिरफ्तारी को लेकर सामना में लिखा गया, महाराष्ट्र के राज्यपाल ने दो दिन पहले मराठी मानुस और महाराष्ट्र का अपमान किया है। महाराष्ट्र में इस बयान पर आक्रोश भड़क उठा। ईडी ने रविवार सुबह छापा मारकर राज्यपाल के भीषण बयान से ध्यान भटकाने का प्रयास किया, यह अपेक्षित ही था। राज्यपाल द्वारा महाराष्ट्र के अपमान किए जाने से संबंधित बयान पर पानी फेरने के लिए महाराष्ट्र में इस तरह की कार्रवाई शुरू की गई तो लोगों के मन का आक्रोश शांत नहीं होगा। संजय राउत ने शनिवार को राज्यपाल के बयान की तीखे शब्दों में खबर ली थी और रविवार को सुबह उनके घर ईडी का दस्ता पहुंच गया। उधर शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने संजय राउत की गिरफ्तारी को लेकर सीधे सीधे बीजेपी को घेरा और इस कार्रवाई को हिंदुत्व में फूट की साजिश बताया। संजय राउत के समर्थन में शिवसेना का उद्धव गुट उतर गया है और कल जब ईडी की छापेमारी चल रही थी तो कुछ शिव सैनिक वहां धरना प्रदर्शन करने भी पहुंच गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलकाता के कैशकांड से पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दोनों ही पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। अब 5 दिन से ये पता करने में जुटी हुई हैं कि आखिर दोनों में से सच कौन बोल रहा है, इस एक मिनट की रिपोर्ट में देखिए। शिक्षक भर्ती घोटाले से हुई काली कमाई की गहराई तक जांच करने में जुटी ईडी को पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दोनों ही गोलमोल जवाब दे रहे हैं। पूछताछ के दौरान अर्पिता ने दावा किया कि मेरे परिवार की आर्थिक हालत खस्ता है, ये पैसे तो पार्थ चटर्जी के थे, वे मेरे जरिए पैसे लगा रहे थे, इन पैसों और गहनों पर मेरा अधिकार नहीं था, ये पैसे कहां से लाए गए मुझे नहीं पता। अर्पिता भले ही खुद को बेगुनाह बता रही हो लेकिन ये सच है कि उनके ही ठिकानों पर 50 करोड़ से ज्यादा कैश और करोड़ों के गहने जेवर बरामद हुए हैं। साथ ही ईडी ने अर्पिता का जो बैंक अकाउंट फ्रीज किया है उसमें भी करीब 8 करोड़ रुपए जमा है। अर्पिता मुखर्जी पैसों के पहाड़ को पार्थ चटर्जी से जोड़ रही है लेकिन उधर पार्थ कह रहे हैं कि ये पैसे उनके नहीं है। जी मीडिया के सवाल पर पार्थ ने कहा कि इन पैसों से उनका लेना देना नहीं है और समय आने पर पता चल जाएगा कि पैसे किसके हैं। पार्थ चटर्जी ने पहले भी कहा था कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है। ऐसे में बीजेपी ने सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर ये पार्थ के खिलाफ साजिश है तो वो इस घोटाले में शामिल असली लोगों के नाम बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्थ और अर्पिता की जोड़ी की काली कमाई का देखिए बांग्लादेशी कनेक्शन निकलकर सामने आया। हवाला के जरिए पैसे भेजकर बांग्लादेश में प्रॉपर्टी बनाने की बात सामने आई है, देखिए इस रिपोर्ट में। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के कैश लोग की जांच का सिरा अब बांग्लादेश तक पहुंचता दिख रहा है। ऐसी खबरें आई हैं कि इन दोनों ने न सिर्फ बंगाल बल्कि बांग्लादेश में भी बेहिसाब संपत्ति खड़ी की है। अभी तक ईडी के सूत्रों से जो पता चला है कि शायद पार्थो चटर्जी अर्पिता मुखर्जी का जो पैसा है वो बांग्लादेश में भी इन्वेस्ट हुआ करता था। ईडी की जांच के घेरे में आई कपड़े की दुकान पर जी मीडिया की टीम पहुंची और जानने की कोशिश की कि दुकान का पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी से क्या संबंध है। एक कपड़े की दुकान के माध्यम से, हवाला के माध्यम से ये पैसा बांग्लादेश तक पहुंचता था और वहां पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट होता था, इस बात की जांच शुरू कर दिया गया है ईडी के तरफ से। दावा किया जाता है कि इसी दुकान के जरिए हवाला से पैसे बांग्लादेश पहुंचाए जाते थे और वहां संपत्ति खरीदी जाती थी। इस बीच अर्पिता के पासपोर्ट से कई राज खुले हैं। पासपोर्ट से ये पता चला है कि हाल के वर्षों में अर्पिता ने कई बार विदेश दौरे किए हैं। पिछले कुछ वर्षों में अर्पिता ने बांग्लादेश, मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर की यात्राएं की। साथ ही ईडी को उसके नेपाल के कई दौरों की भी जानकारी मिली है। अब ईडी इस बात की जांच कर रही है कि अर्पिता के इन विदेश दौरों का मकसद क्या था, इन विदेश दौरों का संबंध हवाला कारोबार से तो नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने फिर एक बार विवादित बयान दिया है, कहा श्रीलंका की तरह एक दिन अपने देश में भी लोग प्रधानमंत्री आवास में घुस जाएंगे, इस एक मिनट की रिपोर्ट में देखिए। विवादित बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस बार फिर भड़काने का काम किया है।
जयपुर में एक टॉक शो में ओवैसी ने इस बार कुछ ऐसा कहा कि पूरा देश हैरान रह गया। ओवैसी ने कहा कि देश के मौजूदा हालात को देखकर लगता है कि श्रीलंका की तरह यहाँ भी लोग एक दिन प्रधानमंत्री आवास में घुस जाएंगे। आज हिंदू मुस्लिम की वजह से ही सिर्फ एक ही समुदाय को नुकसान हो रहा है, मुसलमान को, और दूसरों को नुकसान नहीं हो रहा है। मगर मुसलमानों को ये नुकसान समझने की जरूरत है। मुसलमान जो है अब ये मुसलमान को बदलना पड़ेगा। पीएम मोदी के विरोध के नाम पर जिस तरह से ओवैसी ने बयानबाजी की है उससे साफ है कि वो लोगों को उकसाना चाहते हैं। ओवैसी ने आगे ये भी कहा कि लोगों का लोकतंत्र से भरोसा उठ रहा है और हिंदू मुस्लिम की सियासत हो रही है। मैं आज अपील कर रहा हूँ कि मुत्तहिद हो जाओ, अपने इत्तेहाद की ताकत पर तुम शमा जलाओ, तुम रोशनी फैलाओ, अंधेरा छट जाएगा तुम्हारी इत्तेहाद की ताकत पर। ओवैसी धर्म के नाम पर सियासत का रोना रो रहे हैं, जबकि सच ये भी है कि वो खुद मजहबी राजनीति करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जन्मदिन पार्टी की आड़ में धर्मांतरण की साजिश निकलकर सामने आई और इसका भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने छापामार कार्रवाई भी की, इस पूरी साजिश का खुलासा भी हुआ। इस पूरे मामले में 6 महिलाओं की भी गिरफ्तारी हुई है। देखिए, बर्थडे पार्टी बनी साजिश का अड्डा, धर्मांतरण के नाम पर बड़ा खेल। गीत संगीत का कार्यक्रम वैसे तो एक बर्थडे पार्टी के दौरान का है, लेकिन यहाँ पार्टी की आड़ में धर्म परिवर्तन की साजिश का ताना बाना बुना गया है। आजमगढ़ में महाराजगंज थाना क्षेत्र के कस्बा विष्णु नगर में चल रही जन्मदिन पार्टी में अचानक पुलिस आ धमकी और इस पूरी साजिश का भांडा फोड़ दिया। कस्बा महाराजगंज में कुछ व्यक्तियों द्वारा बर्थडे पार्टी की आड़ में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। उप सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के छानबीन की गई। कप्तानगंज के पिपरी गांव की इंद्रकला ने यहां अपने बेटे की बर्थडे पार्टी रखी थी, जिसमें कई लोगों को बुलावा मिला था। आरोप है कि इन लोगों को धोखे से धर्म परिवर्तन कराने का प्लान था। कार्यकर्ताओं द्वारा, ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन का काम कराया जा रहा था नगर में, जहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्ता पहुँच करके रोके और उन पर मुकदमा दर्ज कराया गया। लगभग 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने आयोजक समेत कुछ महिलाओं को हिरासत में लिया है। इनके पास से दूसरे धर्म की धार्मिक पुस्तकें भी बरामद की गई हैं। तथा मौके से 6 महिलाओं को हिरासत में लिया गया, जिनके कब्जे से बाइबल, प्रार्थना सभा की पुस्तकें तथा अन्य साहित्य बरामद हुए। उक्त सूचना पर पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 286/22, धारा 504, 506 व 3/5 उत्तर प्रदेश धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय रवाना किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की तह तक जाने की कोशिश में जुटी है और ये पता लगाया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन की साजिश के तार और कहां कहां से जुड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूट्यूब सिंगर और इंडियन आइडल फेम फरमानी नाज से उलेमा उससे नाराज हो गए हैं। कुछ दिन पहले फरमानी नाज ने हर हर शंभू गाना गाया था। उलेमाओं ने इस गाने पर आपत्ति उठाई थी और इस रिपोर्ट में देखिए पूरा मामला। यह भक्ति गीत हर हर शंभू गाने से मशहूर हुई सिंगर और इंडियन आइडल फेम फरमानी नाज। यूट्यूब पर इनके हर हर शंभू महादेवा गाने ने धूम मचाई हुई है, लेकिन फरमानी नाज से उलेमा खफा हो गए हैं। शिव भक्ति का गीत गाने के बाद उलेमा उनके खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। फतवा ऑन मोबाइल सर्विस देवबंद के मुताबिक मुसलमान को कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो किसी दूसरे धर्म की शिनाख्त हो या फिर अन्य मजहब के धार्मिक कार्यों को बढ़ावा देती हो। यह इस्लाम की शिक्षा के खिलाफ है। फरमानी को इससे तौबा करनी चाहिए। उधर नाज का कहना है कि कलाकारों का कोई धर्म नहीं होता, इसलिए उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि कौन उनसे नाराज है। हम कभी भी ये सोच के नहीं गाते कि भाई हम किस धर्म से हैं, हम क्यों गा रहे। तो देखो जी, कलाकार का कोई धर्म नहीं होता। हम जब अपने स्टूडियो में रहते, अपना जब काम करते हैं, तो हम ये भूल जाएं कि हम कौन हैं। हम कलाकार हैं, तो हम सिर्फ ये समझ के गाते हैं कि हमारा काम है। फरमानी की माँ का कहना है कि कांवड़ यात्रा में बेटी ने गाना गाया था। ऐतराज तो लोग करते ही हैं कि मुसलमान की लड़की गाना गा रही है, लेकिन अपने बच्चे को पालने के लिए फरमानी को हर तरह के गाने गाने पड़ते हैं। वो भजन भी गाती है और कव्वाली भी। बस उनके दिमाग की बात है भाई, उनके दिमाग में अच्छा नहीं लग रहा। अब इस बात को तो नहीं देख रहे भाई, बेचारी अपने बच्चे को पाल लिया कैसे करी। जब सिंगर है तो गावेगी हर तरीके का गाना। बताओ, उसे सब गाने गाने पड़ेंगे। हर हर शंभू शंभू। दरअसल फरमानी नाज ने कुछ दिन पहले पूर्व प्रवेंद्र सिंह और राहुल मुलेहड़ा के साथ मिलकर हर हर शंभू शिवा महादेवा शंभू भक्ति गीत यूट्यूब पर लॉन्च किया था। गाना सुपरहिट हो गया, जिसके बाद से उन्हें लगातार विरोध झेलना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
देखिए इसी बीच परमानी नाथ जो है वो भजन के साथ साथ कव्वाली भी गाती हैं। उलेमाओं को उनके भजन गाने पर आपत्ति है। उनका कहना है कि मुस्लिम धर्म ऐसा कोई काम करने की इजाजत नहीं देता जिससे किसी दूसरे धर्म की पहचान जुड़ी हो। देखिए सावन के महीने में यह हर हर शंभू गाना शिव भक्तों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। ये गाना लोकप्रियता के नए शिखर छू रहा है, लेकिन इसे गाने वाली मुजफ्फरनगर निवासी परमानी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। परमानी को इंडियन आइडल में गाने का मौका मिला था, लेकिन बेटे की तबीयत बिगड़ने के चलते उन्हें वापस लौटना पड़ा था। मुझे गोल्डन टिकट मिल गया था अगले राउंड के लिए, और मेरे लड़के का जो था ऑपरेशन था, तो इस वजह से हम दोनों बहन भाई गए थे फरमान, तो वह घर वापस आ गए थे क्योंकि अपने बेटे का ऑपरेशन करवाया था मैंने। फरमानी आज पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन उनका ये सफर बहुत मुसीबतों भरा रहा है। शादी के साल भर बाद ही ससुराल वालों ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया था। पति ने दूसरी शादी कर ली, बेटे के साथ उन्हें ससुराल छोड़ना पड़ गया। अब उसे पालने के लिए फरमानी भजन और कव्वाली गाती हैं, लेकिन वो भी लोगों को मंजूर नहीं और दुखी करने लगे। उनको उनका बहाना मिल गया, फिर मैं घर पर आ गई तो कुछ आता पता लिया ही नहीं। कुछ दिनों के बाद उन्होंने शादी कर ली, फिर वहाँ तो जाने का आश्रय खो गया, फिर अपने ऊपर वाले ने आवाज दे रखी थी तो वीडियो बनाने लगी। अपने गाँव से इंडियन आइडल के मंच तक फरमानी अपनी पहचान बना चुकी हैं। हर बार वो प्रशंसकों के सामने नए अंदाज में प्रस्तुति देती हैं, लेकिन उनकी यही प्रस्तुति अब उनकी परेशानी की वजह बनती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए आगे बढ़ते हैं। देश में आतंकी संगठन ISIS के मॉड्यूल के खिलाफ NIA ने बड़ी कार्रवाई की है। 6 राज्यों के 13 जिलों में छापेमारी कर कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। एक मिनट के इस रिपोर्ट में देखिए। देश में आतंक के खिलाफ NIA ने बड़ा अभियान शुरू किया है। इस अभियान में देश के कई राज्यों में एक साथ NIA ने छापेमारी की। इनके निशाने पर हैं आतंकवादी संगठन ISIS के आतंकी और उनके हमदर्द। रविवार को देश के 6 राज्यों के 13 जिलों में NIA ने छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान अनेक आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद हुए। छापेमारी के दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी NIA ने जब्त की। NIA ने जिन राज्यों में छापेमारी की उनमें मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। एक साथ इन 6 राज्यों में छापेमारी कर कई इमारतों की तलाशी ली गई। छापेमारी का मकसद उन लोगों पर शिकंजा कसना भी है जो सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और ISIS के आतंकी मॉड्यूल से जुड़े हैं। NIA के इस एक्शन से साफ है कि देश में आतंक और ISIS की विचारधारा को बढ़ावा देने वालों की अब खैर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस माफिया और गुंडों एक्ट के आरोपियों के खिलाफ लगातार बड़ी कार्रवाई कर रही है, बड़ा एक्शन ले रही है। जिला बदर ये कार्रवाई हो रही है। अपराधियों को खासतौर पर चेतावनी भी दी जा रही है। अपराधी जिले की सीमा से बाहर रहे, इसके लिए पुलिस अपराधियों के घर घर जाकर मुनादी भी कर रही है। देखिए इस रिपोर्ट। बदमाशों के खिलाफ यूपी पुलिस फुल एक्शन में है और या पुलिस ने तो जिले में अपराध रोकने के लिए नई पहल शुरू कर दी। इस पहल के तहत पुलिस ने गुंडा एक्ट के आरोपी 4 अपराधियों के घर के बाहर ढोल पिटवाकर उन्हें जिले की सीमा से बाहर रहने की चेतावनी तक दे दी। ये तस्वीरें पुलिस के अपराधियों के खिलाफ उसी मुनादी अभियान की है। पुलिस बल ढोल बजाने वालों के साथ औरैया के खानपुर पहुंचा तो गांव वाले हैरान रह गए। इस गांव के 4 इनामी अपराधी कपिल, अकील, जूली और गुड्डू को जिला बदर रहने और गांव वालों को सचेत रहने के लिए औरैया पुलिस ने मुनादी की। अलग अलग मामलों में जिला बदर अपराधियों के घरों के बाहर ढोल बजाकर पुलिस ने चेतावनी भी दी। अपराधियों के खिलाफ पुलिस के इस नए अभियान को देखने के लिए भारी तादाद में लोगों की भीड़ जुट गई। यूपी के अंबेडकर नगर का जिला अस्पताल सवालों के घेरे में आ गया है। यहां से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो अस्पताल का नाम खराब कर रही हैं। मामला बढ़ रहा है तो डिप्टी सीएम ने जांच के अब आदेश दे दिए हैं। एक मिनट की इस रिपोर्ट में देखिए। अच्छे अस्पताल में मरीज इलाज के लिए आते हैं, ठीक होने के लिए आते हैं, लेकिन जब अस्पताल किसी और वजह से चर्चा में बन जाए तो ना मरीजों के लिए अच्छा है और ना खुद अस्पताल की छवि के लिए। यूपी के अंबेडकर नगर के जिला अस्पताल से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये तस्वीरें कई गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। वायरल तस्वीरें जिला अस्पताल के रसोई घर की है। यहाँ किचन के अंदर कई जगहों पर शराब की बोतल के साथ दूसरे आपत्तिजनक सामान पाए गए। इसके अलावा किचन में घटिया सामग्री की सप्लाई के भी आरोप हैं। मामले में कई बार CMS से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन आरोप यही कि शिकायत से बौखलाए ठेकेदार ने रसोईये से ही गलत बर्ताव किया। लेकिन जब पूरा मामला डिप्टी CM ब्रजेश पाठक तक पहुंचा तो उन्होंने जांच के लिए टीम गठित की। अब जांच टीम 1 हफ्ते में रिपोर्ट देगी, जिसके बाद आरोपियों पर कार्रवाई हो सकेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले छात्रों का भी अब डॉक्टर बनने का सपना साकार होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि देश के कई राज्य MBBS की पढ़ाई जो है और परीक्षा जो है वो हिंदी में कराने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए
कमजोर अंग्रेजी की वजह से अगर आपका डॉक्टर बनने का सपना टूट गया है तो ये खबर आपके लिए। अब हिंदी मीडियम के छात्र भी डॉक्टर बन सकते हैं, क्योंकि देश के कई राज्य MBBS की परीक्षा हिंदी में कराने की तैयारी में हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पहले ही MBBS की परीक्षा हिंदी में कराने का ऐलान कर चुकी है और अब जल्द ही UP की योगी सरकार भी इसका ऐलान कर सकती है। मध्य प्रदेश पहला राज्य होने वाला है MBBS की पढ़ाई हिंदी में चालू करने का। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये सपना है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई अब हिंदी में भी हो, और इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हमने हिंदी के पाठ्यक्रम तैयार कर लिए हैं। प्रिंटिंग के लिए हमारी फर्स्ट ईयर की किताबें गई हैं। हम देश के पहले राज्य होंगे जो हिंदी में MBBS की पढ़ाई शुरू करेगा। आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी को भी मैंने उसके बारे में सभी जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद देश के कई राज्य MBBS की पढ़ाई हिंदी भाषा में भी कराने की तैयारी में हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली। वहीं लखनऊ में मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात के बाद CM योगी ने भी UP में MBBS की पढ़ाई और परीक्षा हिंदी में कराने की तैयारी की है। उधर पश्चिम बंगाल के कूच विहार में बड़ा हादसा हुआ है। यहां पिकअप वैन में करंट उतरने के कारण 10 कांवड़ियों की मौत हो गई है। रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल के कूच विहार में रविवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। यहां यात्रियों को लेकर जलपेश जा रही एक पिकअप वैन में करंट दौड़ने से 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 लोग जख्मी हो गए। घटना मेखलीगंज थाना क्षेत्र के धरला ब्रिज पर हुई। शुरुआती जांच के मुताबिक पिकअप वैन में DJ सिस्टम चलाने के लिए जनरेटर लगाया गया था। उसी जनरेटर की वायरिंग में गड़बड़ी के चलते पिकअप वैन में करंट फैल गया। हादसे के वक्त पिकअप वैन में 27 लोग सवार थे, इनमें से 10 ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि हादसे में घायल 16 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिकअप वैन में सवार सभी यात्री सीताकुची पुलिस थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। पुलिस ने पिकअप वैन को जब्त कर लिया है। हालांकि वैन का ड्राइवर फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए एक बड़ी खबर। इसी बीच प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्यसभा में नोटिस दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यसभा में प्रियंका चतुर्वेदी ने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है। जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल पर चर्चा की मांग की गई है और ED CBI पर राज्यसभा में चर्चा की मांग इस नोटिस में की गई है। तो प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्यसभा में नोटिस दिया है और स्थगन की मांग की। आपको बता दें, कल जिस तरह संजय राउत पर ED की कार्रवाई हुई, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, उनकी पेशी है, मेडिकल भी कराया जाना है। इस बीच अब प्रियंका चतुर्वेदी की ओर से कार्य स्थगन प्रस्ताव राज्यसभा में दिया गया है। और इसी के साथ वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।